गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो हम देखिए टॉपिक टिक टिक, जो घड़ी का टाइम है, जो समय है, उसके ऊपर टॉपिक करें। टिक टिक ये जो टॉपिक है, ये क्लास फोर्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स आपको पढ़ा रही है सुनीता भट्ट, टीचर बीपीएस नुतनुसा। हम पढ़ेंगे टाइम को, जो डेट्स वगैरह को किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब पहला है 3 जुलाई 1975 को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे 3/7/1975। डैश डैश, थोड़ा सा डैश डाल के बीच में कर देंगे, मतलब तीन के बाद आप थोड़ा सा हाइफन डालिए। जुलाई के लिए 6 आएगा, जुलाई जो है 7वां महीना है, हाँ, तो 1975 उसके आगे, ठीक है। 25 नवंबर, तो आप करेंगे 25 नवंबर को, क्या नवंबर कौन सा महीना होता है, 11/25, थोड़ा डैश सा डाल के 11, फिर डैश सा डाल के 2003। फिर 1 जनवरी, तो आएगा 1-1, फिर डैश करके 2001। योर डेट ऑफ बर्थ, आप जिस मंथ में पैदा हुए हैं उसका जो डेट और क्या किस ईयर में आप पैदा हुए हैं, वो जैसे कि 3/3/19, जितना भी आप जितने भी में पैदा हुए हैं 2001 में, 2 में। इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त, तो आएगा 15 अगस्त। कौन सा महीना होता है, देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त होता है, कौन सा महीना होता है अगस्त, वो होता है 8वां महीना, तो क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त, 15/8/15/8। इस साल का आप 2020 चला, 2020 है, तो 2020 लिखिए। रिपब्लिक डे है आज का जो है, वो है रिपब्लिक डे कब होता है, चाहे ये गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को, तो 26/1/2020 आएगा इसका। उसके बाद क्रिसमस जो होता है वो 25 दिसंबर को होता आएगा, 25/12/2020। गांधी जयंती कब आता है, 2 अक्टूबर को, तो अक्टूबर कौन सा मंथ है, अक्टूबर है 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर, तो एक्चुअली काउंट कीजिए कौन सा मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर है 10th मंथ, तो आप कर दीजिए इसको 2/10/2020। न्यू ईयर कब होता है, 1 को, तो 1/1 जनवरी को होता है, 1/1/2021 हमारा जो आएगा न्यू ईयर आएगा। अब AM और PM में हमें जो है इसको एक्सप्रेस करना है। 12 नून दिन का टाइम होता है, तो हम उसको 12 PM कर देंगे, क्योंकि 12 नून के दिन में PM होने लगता है, तो उसके बाद ही जस्ट से जो है PM शुरू हो जाता है। तो 12 मिडनाइट जो है, आधी रात को क्या आएगा, 12 आएगा AM, क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है। मिडनाइट में जो 1 है जो, वो 1 AM आएगा, 2 AM आएगा, है ना, तो वहाँ जो मिडनाइट में रात का जो है 12 को, उसको हम AM लिखेंगे। 4:45 इन इवनिंग, तो आएगा 4:45 PM, इवनिंग के टाइम को हम PM यूज़ करते हैं। मॉर्निंग को 8 o'clock, तो 8-20 डाल के AM, क्योंकि सुबह का जो है AM होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।